एक सपना आया कि गुरु गोरखनाथ जी ने, बेटा कोई बात नहीं, उसमें परीक्षा तो बहुत ली गई थी, अगर भाई इस परिक्रमा को शुरू करने के लिए, इसके तरक्की के लिए, अगर भाई आपने ये परिक्रमा लगाई है तो इसकी मनोकामना बेटा आज से जो भी इस परिक्रमा को लगाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जो एक जो परिक्रमा गोगा जी की जो चौरा मतलब 66 किलोमीटर की जो रनिंग थी उस किसने करवाई थी आज अपने यहाँ। जब वैसे तो इनका नाम वीरेंद्र जी है, लेकिन गोगामेड़ी वासी और आसपास के जो जितने भी क्षेत्र के लोग हैं इनको पप्पू जी के नाम से ये फेमस बन चुके हैं, तो इनसे कुछ बातें करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सोलंकी है, वैसे पप्पू जी बोलते हैं, दिल्ली वाला, और यहाँ 21 साल हो गए हैं इधर गोरखटिला गोगामेड़ी यहाँ आते हुए। साथ में आसपास के गांव में जैसे बरवाड़ी है, राजपुरिया है, परलीका है, जुगलालपुरा, अब तो ये आसपास के और जितने परिक्रमा गांव हैं इनमें भी भाई सबका प्यार मिला है। और इस परिक्रमा को शुरू करने के लिए सबसे मुलाकात भी है, सबने बड़ा प्यार दिखाया है। और बाबे की दया से ये कतलीवन जिसको बोलते हैं, ये छात है, लोकल यहाँ आसपास के गाँव इसको छात बोलते हैं, उस छात की परिक्रमा है ये। और ये बाबे गुरु गोरखनाथ गोगा जी महाराज की आज्ञा से ये चालू है, आशीर्वाद उनका रहे। और इसी बात में पहली परिक्रमा जो है आपके गांव गोगा मेड़ी में खुल चुका है फुल एचडी एल्बम वीडियो या प्री वेडिंग सॉन्ग बनवाने का शानदार स्टूडियो सोनी कलर लैब स्टूडियो गोगा मेड़ी। मोबाइल 90572-12571। आगे पहला हक जो बनता है वो छात वालों का बनता है, बाद में पूरे भारत का बनता है। इसलिए सब गांव वालों से बातचीत करके और उनको इस बात का वो दिखा के, यार भाई पहली परिक्रमा ईमानदारी से छात वालों की लगवाई है, जिसमें ये 12 गांव आते हैं, 12 कोस बोल देते हैं, वैसे एक कतलीवन की परिक्रमा है। और दूसरा इसमें क्या है कि ये बाबे गुरु गोरखनाथ की माया की अब ये परिक्रमा जिसमें इसमें काम किया गया है, भाई कहाँ कहाँ से परिक्रमा है और कैसे कैसे कईयों का सहयोग लिया गया है। और उसके बाद ये परिक्रमा शुरू हुई है, जब परिक्रमा लगाई तो उसके बाद एक सपना आया कि गुरु गोरखनाथ जी ने, बेटा कोई बात नहीं, उसमें परीक्षा तो बहुत ली गई थी, अगर भाई इस परिक्रमा को शुरू करने के लिए, इसके तरक्की के लिए, अगर भाई आपने ये परिक्रमा लगाई है तो इसकी मनोकामना बेटा आज से जो भी इस परिक्रमा को लगाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। करने वाले गुरु गोरखनाथ बाबा हैं, मन में डालने वाले गुरु गोरखनाथ बाबा हैं। परिक्रमा के लिए 16 साल पहले उनने मन में डाला था और उसके लिए आज्ञा अब मिली थी 2021 2 जून, उसको पहली परिक्रमा लगाई गई थी। उसके बाद अब उसका 1 साल पूर्ण होने पर भव्य परिक्रमा जो का रूप दिया गया, जिससे कि सबको आसपास में पता लग जाए और उस चीज़ को महसूस कर ले, अगर ये परिक्रमा लगाने से कितनी तप तपस्या होती है और उनकी मनोकामना कैसे पूरी होती है, वो अपनी आंखों से अपने इस तप को करके देख लें। अच्छा, ये से मतलब ये आगे जो होगी वो 2 जून को ही होगी क्या? इस परिक्रमा को कोई निर्धारित दिन नहीं है, कोई अपने आप अकेला भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है, महीने में एक चाहे तो एक लगा सकता है। और इसको अगले जो है इसका जैसे सालगिरह मनाए जाते हैं एक किस्म से, ये 2 जून को ऐसे ही भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। आज कितनी किस दिन से मतलब है भगत जो लोग आए, आज मतलब कहाँ कहाँ के लोग आए वो बताओ। आज इस बाबे की जो एक यात्रा रथ यात्रा निकली है किस्म की, जो साधनों पर ये परिक्रमा लगाई गई है, उसमें मैड़ी के है और बरवाली जी है, राजपुरी है, परलिका है और रामगढ़ है, ढीलकी है, मुंसरी है, मुंसरी गांव, मुंसरी अड्डा है, सरदारगढ़िया है, भरवाणा है, खचवाणा है और निठाणा है। और इसके अलावा भी कुछ थोड़े बाहर से भी आए थे, जैसे दिल्ली से कोई परिवार वाले रिलेशन वाले वे भी आए थे और इस परिक्रमा में उन अपना संपूर्ण अपने आप को समर्पित करते हुए बहुत सद्भावना से अपने साधन भी दिया और इसमें अपना सहयोग भी दिया और बाबे का आशीर्वाद प्राप्त किया। टोटल कितने किलोमीटर की रनिंग थी ये परिक्रमा? पूरे 66 किलोमीटर की पड़ती है मंदिर से वापस मंदिर तक। मैं भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर जो ये जब भी ये परिक्रमा करें तो उसमें देखो पैदल तो अपने खेतों में भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, पर जब तक आप जप नहीं करोगे तो ये आपका तप नहीं लगेगा। तो इसलिए मन में अपने बाबे का नाम लेते हुए और इस पैदल यात्रा को करें। रास्ते में कभी भी किसी को कोई उल्टा सुल्टा बोले तो उसके ऊपर क्रोध ना करें, किसी को परेशान नहीं करें। हो सकता है तो कोई भी मंदिर आए या गौशाला है, चाहे उसमें 1 रुपये डालो या 10 रुपये डालो, उसमें 100 रुपये 1000 रुपये डालने की जरूरत नहीं है।
अपनी तप तपस्या के साथ सबसे अच्छी बात होती है, अब वो दान हो जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण जो है इस परीक्षा में, मतलब इस परिक्रमा में जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं तो किसी न किसी का सहयोग लिया जाता है, कोई हमें चाय के लिए बोलता है, कोई हमें खाने के लिए बोलता है, तो वो ऋण भी साथ साथ वो उतर जाता है उस रूप से, नहीं तो उस रूप से, इसलिए वो यात्रा जो भी करेगा उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलिए गुरु गोविंद बाबा की जय, बोलिए गोगा जी महाराज की जय, ओल साचे दरबार की जय हो।